अब हम लोग बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट्स पे। हमने क्लोजर पे भी बात कर ली, तो इंटीरियर पॉइंट्स, तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो हमने रियल में पढ़े थे, हम उन्हें टोपोलॉजी में खाली रिवाइज कर रहे हैं। सही बताएं तो जनरलाइजेशन, तो क्या होगा? इंटीरियर का मतलब ज्योमेट्रिकली अंदर, मतलब कोई बाउंड्री होगी उसके अंदर, लेकिन ये तो ज्योमेट्रिकल नोटेशन है और हमें तो सेट थ्योरेटिकल नोटेशन में ही सारे प्रूफ आंसर देने हैं, तो हम कैसे करें? टोपोलॉजिकल स्पेस ले लें, लेट एक्स कॉमा टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए इज सेट टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ क्या होता था? इंटीरियर पॉइंट है तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट और टाउ ओपन सेट, उसका नाम जी रख देते हैं, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, क्योंकि ए का सबसेट हो। ये है बेटा, यहां पर एक चीज देखिएगा, जब लिमिट पॉइंट बोलते हैं तो एक्स बिलोंग्स टू ए कहते हैं क्या? लिमिट पॉइंट में कहते हैं अ पॉइंट एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स कोई एक पॉइंट है जो लिमिट पॉइंट होगा, वो एक्स ए में हो जरूरी नहीं है। और अभी क्या लिख रहे हैं आप, पहले ही डिफाइन कर दे रहे हैं। एक्स आई में होना जरूरी है। हाँ बच्चों, इंटीरियर होने के लिए पहली शर्त है कि वो सेट में होना चाहिए। कोई भी डेफिनेशन अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उसको आराम से सोचा करिए, उसको डाइजेस्ट कीजिए, जैसे खाना चबाते हैं ना, धीरे धीरे, एकदम नहीं, आराम से चबा के जैसे आप डाइजेस्ट करते हैं, ऐसे डेफिनेशन को भी करा करिए कि यार लिमिट पॉइंट में तो नहीं लिखा था ऐसा कहीं। और आप कह रहे हैं कि अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू दिस इज सेट टू बी इंटीरियर पॉइंट। कोई भी पॉइंट इंटीरियर तब होगा जब पॉइंट और सेट के बीच में ए टी ओपन सेट हो जाएगा, टोपोलॉजी में मिलेगा ये सर, बस इतनी सी बात है। अगर आपके पास सारे ही इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन ले लें तो उसको इंटीरियर ऑफ ए कहेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज ए इंटीरियर और इंटीरियर ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, सारे इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन, इसको आप ऐसे लिखते हैं। तो इसे एक ऑब्वियस होगा या नहीं, आप ये सोचिएगा, ऑब्वियसली इंटीरियर ऑफ ए अगर हर इंटीरियर पॉइंट ए में है तो सारे इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन भी ए में ही होगा, तो जो भी सिंबल दें आप, तो इंटीरियर पॉइंट्स का जो पूरा कलेक्शन है इंट ऑफ ए वो भी ए में ही होगा। ये क्लियर है? यस सर। ठीक हो गया। तो यूजुअल टोपोलॉजी में बेटा आप लोगों को मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, यूजुअल में जब पढ़ा था, एक्स आर ले लो
और टोपोलॉजी यूजुअल ले लो, ठीक है। मैंने पहला सेट ले लिया ओपन इंटरवल 0 1, तो इसका इंटीरियर कौन कौन पॉइंट से इंटीरियर पॉइंट है? सर ओपन 0 1। सभी इंटीरियर ही हैं, बाउंड्री तो है ही नहीं इंटरवल में, ठीक है। उम्मीद है सभी लोगों को पहले से ही पता होगा इसका आंसर। अगर आप ये लेते हैं A2, A2 सर इंटीरियर, इसमें भी ओपन 0 1। ओपन ठीक 01। बच्चों क्यू ले लो, रेशनल स्टार कलेक्शन। सर 5 आएगा। सर तो इसका कोई इंटीरियर पॉइंट रेशनल पॉइंट में, यही समझना भी है, फाइव तो बाकी तो आप ज्योमेट्रिकली समझ जा रहे होंगे। रेशनल में कोई भी, आपको कोई भी नंबर ले लो ना, ये 5 मिलेगा। आप बेटा कोई भी रेशनल नंबर ले लो, ये तो ठीक है रेशनल है, लेकिन आप इसके बीच में यूजुअल टोपोलॉजी में कोई आर माइनस एप्सिलॉन से आर प्लस एप्सिलॉन कभी भी ऐसा नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि जो ही ऐसा करोगे उस ओपन इंटरवल में ओपन और नहीं रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाएंगे। ये क्लियर हुआ आप लोगों को कि कोई भी रेशनल, आप सोचो जी इतने रेशनल हैं एक भी पॉइंट इंटीरियर नहीं हो पाया, तो ज्योमेट्रिकली रेशनल का जो सेट है अगर इंटीरियर आप इंटरवल में समझ पा रहे हैं तो वहां बाउंड्री समझ रहे हैं, रेशनल में कैसे समझें? बड़ी आफत है। रेशनल एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी पॉइंट अंदर नहीं है। अंदर का मतलब क्या है आप सोचो, अंदर बाहर ज्योमेट्रिकल नोटेशन है बच्चों। ये दरवाजा बंद कर देना, तो इरेशनल में भी इंटीरियर कोई नहीं है। तो यूजुअल टोपोलॉजी में आप लोग इंटीरियर नेचुरल नंबर का सेट आप ले, कोई भी पॉइंट ना लिमिट पॉइंट है ना इंटीरियर पॉइंट है, इंटीजर का सेट लें, रेशनल इरेशनल ये सब आप ध्यान से समझिएगा। रेशनल इरेशनल में अलग कहानी है कि वहां लिमिट पॉइंट में वो भरपूर लिमिट पॉइंट हैं, लेकिन इंटीरियर पॉइंट के नाम पे बेचारे कंगाल हैं, एक इंटीरियर पॉइंट भी नहीं है इनके पास यूजुअल टोपोलॉजी में। सभी लोग समझ पाए इंटीरियर पॉइंट्स का सेंस? यस अच्छा, सर। तो यहां से एक चीज और समझ में आती है बच्चों इंटीरियर पॉइंट्स के मामले में। अगर कोई सेट ओपन सेट है, आपने पहला एग्जाम्पल जो राइट साइड में देखा है A1 ओपन इंटरवल 0 1, तो उसका इंटीरियर उतना ही था। तो अगर कोई सेट ओपन है तो उसका इंटीरियर उसी के बराबर होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो खैर कुछ छोटी छोटी चीजें करते हैं, चलिए पहली थ्योरम करते हैं पहले। ए इंटीरियर ऐसे भी लिखा जाता है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स, जी जी इज ओपन एंड ए इज अ सबसेट ऑफ जी। नहीं, जी इज अ सबसेट ऑफ, हाँ जी इज अ सबसेट ऑफ ए ही आएगा, ऊपर भी तो ऐसे लिखा था हमने। तो किसी सेट का इंटीरियर अगर निकालना है तो उसका मतलब समझिए इसको, ये मेजर थ्योरी में हम ज्यादा बढ़िया यूज करते हैं बच्चों, कि ए के अंदर जितने ओपन सेट हैं, जितने ओपन सेट हैं, ओपन सेट का यूनियन भी ओपन होता है इसलिए कोई टेंशन नहीं, तो जितने ओपन सेट अंदर आ सकते हैं सेंस समझिएगा, अंदर उन सब का यूनियन कर लीजिए, तो दैट विल बी द लार्जेस्ट ओपन सेट विद इन इट। तो जो ओपन सेट में आर्बिट्ररी यूनियन ओपन होता है, तो जितने मर्जी हो कोई दिक्कत नहीं,
तो लार्जेस्ट ओपन सेट किसी सेट के अंदर, ध्यान से समझिए, किसी सेट के अंदर सबसे बड़ा ओपन सेट जो होता है वो उसका इंटीरियर होता है। मैं समझा पाया ज्योमेट्रिकली? यस सर, बच्चों ये मेजर थ्योरी में इनर मेजर के तौर पर काम आएगा आपके, जब आप इनर अंदर की साइड से किसी सेट का मेजरमेंट करोगे। बच्चों जब आप लोग मेजर थ्योरी पढ़ोगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा इन सारी चीजों में, क्योंकि आपके साथ ये होगा कि अगर आप क्लोजर की डेफिनेशन से पढ़ोगे तो बाहर से पढ़ोगे। आप ऐसे सोचो, आप सेट का बाहर के साइड से जितने क्लोज सेट हैं सेट को कंटेन करने वाले उन सब का यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन लेते जाओ तो लास्ट में स्मॉलेस्ट क्लोज सेट आएगा जो ए को कंटेन करेगा। ये ए का आउटर मेजर होगा। आउटर मेजर, मेजर मतलब मेजरमेंट, मतलब आप सेट को बाहर की ओर से मेजर कर रहे हो तो सेट को बाहर के अंदर को मेजर करते जाओगे। जैसे किसी चीज का नाप है, आपने दूर से बताया इतना इतना है, फिर आप थोड़ा और पास आए, आपने कहा नहीं नहीं मैंने थोड़ा एक्यूरेटली नापा है और ये ऐसा है, और एक्यूरेट होते जाओ और एक्यूरेट होते जाओ। तो बच्चों जो लास्ट में आप सेट को मेजर करेंगे ये आउटर मेजर है, तो क्लोजर आउटर मेजर के साथ चलता है। क्लोजर की मदद से आप सेट का आउटर मेजर निकालते हैं और इंटीरियर की मदद से इनर मेजर निकालते हैं। अगर इनर मेजर और आउटर मेजर बराबर आ गए, इनर मेजर क्या हुआ अंदर से सब और बाहर से आउटर, दोनों एक ही जगह पहुंची है, तब आप कहते हैं कि ये मेजरेबल सेट है, इसका मेजरमेंट निकाला जा सकता है। ये मेजर थ्योरी का कंसेप्ट ही यही है। मैं कुछ समझा पा रहा हूं आपको? यस सर, तो इनर मेजर और आउटर मेजर होते क्या हैं वो इंटीरियर और क्लोजर की नॉलेज के बाद ही समझाए जा सकते हैं किसी को। काफी कुछ ऐसा समझो बच्चों, अगर आपने रीमान इंटीग्रेशन में जो मैं पढ़ाया है या आपने पढ़ा होगा ठीक ही हुआ, अगर कहीं और से पढ़ा है तो भी दिक्कत नहीं, जो मैंने पढ़ाया है वो देखा हो आपने या पढ़ा हो मेरी क्लास में, तो वहां रीमान सम में भी यही था, अपर और लोअर का सम। जब जो अपर रीमान सम होता है वो घटते जाता है, लोअर बढ़ते जाता है, तो जो बढ़ रहा है और जो घट रहा है दोनों अगर एक पॉइंट पे आके मिल गए लास्ट में, एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी भी, तो वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है। बहुत ही ईजी है, किसी को जरा सा भी दिक्कत है रीमान इंटीग्रेशन पे मेरा केवल पहला लेक्चर देख लीजिए, आपको रीमान की थीम समझ में आ जाएगी कि अच्छा किस थीम पे काम करते हैं। पहला लेक्चर हमेशा चैप्टर की थीम समझाने वाला होना चाहिए। यहां पर भी मैंने मेजर थ्योरी की थीम समझाने की कोशिश की कि जिस तरह से आप फिजिकल ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करते हैं, लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई नापते हैं ना मेजरमेंट फिजिक्स में, ऐसी मैथमेटिक्स में जो सेट हैं बड़े बड़े टोपोलॉजिकल स्पेस हैं इनका मेजरमेंट कैसे करें। तो भाई सेट को मेजरमेंट वैसे थोड़ी कर सकते हैं जैसे आप फीता लेके नापने लग जाते हो। तो हम मैथ्स वालों ने ये तरीके अपनाए, हम इंटीरियर की मदद से लार्जेस्ट इंटीरियर निकालेंगे और क्लोजर की मदद से स्मॉलेस्ट क्लोजर निकालेंगे। दोनों एक ही बाउंड्री पे अगर पहुंचे तो समझ जाओ कि मेजर आ चुका है, सेट का मेजरमेंट हो चुका है। तो आपका जो अगली ब्रांच है यहां से मेजर थ्योरी, आपको समझ में आ रहा होगा क्यों वो नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है और यहां पढ़ने से क्या फायदा होता है। कई चीजें ऐसी हैं बच्चों जो डायरेक्टली हमारी यूनिवर्सिटी पूछे ना पूछे वो अलग बात है, लेकिन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो होना चाहिए। कुछ समझा पाया मैं आपको उसमें? यस सर, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो वो थ्योरम रह गई थी, उसको करना है यार, तो जनरल बातचीत हो गई। थ्योरम थी कि किसी भी सेट का जो इंटीरियर है वो यूनियन है सारे ओपन सेट्स का, कौन से, जी बिलोंग्स टू टाउ मतलब ओपन एंड जी इज कंटेंड इन ए।
वो सारे ओपन टोपोलॉजी में जो होंगे तो ओपन ही कहलाएंगे, तो वो सब ओपन सेट जो एट ए सबसेट है उन सब का यूनियन कर लो, वो ए इंटीरियर होगा। चलो इसको प्रूव करते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, हाँ एट लैंग्वेज और है। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर का मतलब समझिए कि एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, और ऐसे भी कह सकते हैं कि ए इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स। ये भी सही है या नहीं? यस सर, ए एक्स का नेबरहुड है या एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है, ये लाइन याद रखना। इट्स इज एन एक ही बात है दोनों, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, दोनों एक ही लाइन कहते हैं, या तो ए नेबरहुड है या एक्स। तो अब मैं यहां पर ए इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स कह रहा हूं। अगर ए नेबरहुड है तो फिर बीच में एक ओपन सेट होगा ना, देर एग्जिस्ट अ टाउ ओपन सेट जी सच दैट एक्स जी में होगा और जी ए में हो। तो फिर एक्स किस में होगा, क्या ऐसा लिख सकता हूँ, यूनियन ऑफ जी, जी बिलोंग्स टू टाउ एंड जी इज अ सबसेट ऑफ ए। एक्स इसमें भी होगा नहीं होगा, एक्स एट जी में है तो उनके यूनियन में होगा या नहीं, जितने भी हैं यस जो, सर होगा। तो हो गया फिर एक्स। आपने ए इंटीरियर में लिया था, इनका उल्टा भी ले लो एरो, बस प्रूफ हो जाएगा दोनों तरफ से, हो गया दो लाइन का सब। भाई ए इंटीरियर सबसेट इसका हो जाएगा और इधर से लेते हो तो उल्टा हो जाएगा। तो ए इंटीरियर क्या है, ये बहुत छोटे से रिजल्ट है लेकिन काम का रिजल्ट है। किसी सेट का इंटीरियर का मतलब उसके अंदर जितने ओपन सेट हैं जो ए के अंदर है, इस लाइन को समझिएगा, ये वो सारे जी जो ए में हैं और ओपन सेट हैं उनका यूनियन कर लो, वो इंटीरियर मिल जाएगा। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं सलीम। एक्स कोई सेट है नॉन एम्प्टी सेट, और टोपोलॉजी डिस्क्रीट है, और कोई सेट ए है जो एक्स्ट्रा सबसेट है, ए इंटीरियर क्या होगा? सर एक्स, सर वही सेट हो जाएगा। वही सेट मतलब क्योंकि क्यों? सर वो क्योंकि डिस्क्रीट दिया है ना, तो ए भी एक ओपन सेट होगा और एक लार्जेस्ट ही होगा। ए को, ए जिनको कंटेन करे वो जितने ओपन सेट हैं, सभी पॉसिबिलिटी होंगी डिस्क्रीट टोपोलॉजी में, तो ए के जितने एलिमेंट हैं उनसे जितने सबसेट होते हैं वो सब आए होंगे उसमें, और उनके सब यूनियन से दोबारा ए ही आ जाएगा। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में ए इंटीरियर ए है। अगर मैं टोपोलॉजी इनडिस्क्रीट कर दूं तो सर एक्स होगा ए इंटीरियर, ए प्रॉपर सबसेट है एक्स्ट्रा, तो ए इंटीरियर।
सर 5, क्योंकि ए सबसेट दिया है ना, तो लार्जेस्ट वाला ओपन सेट सर 5 होगा, क्योंकि लार्जेस्ट ओपन मतलब ए को कंटेन करने वाला लार्जेस्ट ओपन सेट एक्स है, लेकिन ए तो सबसेट दिया है ना एक्स का, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ए इंटीरियर 5 होना चाहिए। बिल्कुल फाइव होगा। कोई भी प्रॉपर सबसेट ले लीजिए, अगर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है ये लगा दें तो फिर ये फाइव ही होगा, क्योंकि टोपोलॉजी में तो भाई दो ही हैं, ओपन सेट तो दो ही हैं, बाकी कोई है ही नहीं। तो ए इंटीरियर में वो सारे ओपन सेट लेने हैं जो ए के अंदर हो। अब इनमें एक्स तो हो नहीं सकता है ए के अंदर, तो फाइव होगा। सभी लोग समझ पाए इस बात? यस सो क्लियर। ठीक, नेक्स्ट रिजल्ट बच्चों, एक जनरल टोपोलॉजिकल स्पेस है। और ए बी सबसेट ऑफ एक्स हैं फर्स्ट, एक्स का इंटीरियर एक्स ही होगा और फाइव का इंटीरियर फाइव ही होगा। सेकंड, ए इंटीरियर हमेशा ए में होगा। थर्ड, ए अगर बी का सबसेट है तो ए इंटीरियर भी बी इंटीरियर का सबसेट होगा। फोर्थ, ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। अब यहाँ इंटीरियर और इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव हो गए। ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटीरियर। अब यहाँ यूनियन बराबरी में नहीं आ रहा, देख लो। और हाँ ठीक है, ए इंटीरियर इक्वल टू ए, अगर ए क्या हो, नहीं ए इंटीरियर का इंटीरियर ए इंटीरियर हो। ये सब छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, सेम उसी थीम पर चल रहे हैं सबके सब। बताओ यार, पहला बताने की जरूरत है? एक्स इंटीरियर, एक्स के अंदर तो सब कुछ पूरा ही आ गया सभी। कोई ऐसा है जिसको मुझे बताना चाहिए तो प्लीज बोलिए, नहीं तो मैं नहीं बताता। कोई भी स्टूडेंट बोलो भाई। अच्छा, सर बता दीजिए। क्या बताना है? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन किसको बताऊं मैं, तभी तो बताऊंगा। सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला, अच्छा, ए इंटरसेक्शन जो तीसरे से हम चौथा लाएंगे, तो तीसरे में हमने ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर सबसेट ऑफ बी इंटीरियर। तो फिर ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर दोनों में है, दोनों में है तो कॉमन हुआ दोनों में,
तो वो ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर में भी होगा, ये हो गया। अब रिवर्स लाओ, मान लीजिए आपके पास एक्स है कोई एलिमेंट, ए इंटीरियर बी इंटीरियर, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर एंड एक्स बिलोंग्स टू बी इंटीरियर। तो इसका मतलब एक्स इंटीरियर ए का भी इंटीरियर पॉइंट है बी का भी, इसका मतलब एक्स इज एन, मैं एक्स लिख रहा हूँ, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, अगर ए और बी दोनों का इंटीरियर पॉइंट है तो दोनों में नेबरहुड मिलेंगे या नहीं, या ऐसा भी कह यस सकते हैं सर, कि ए एंड बी आर नेबरहुड्स ऑफ एक्स। बच्चों ऐसा लिख सकता हूँ, ए और बी दोनों नेबरहुड है, फिर इंटरसेक्शन भी हो जाएगा। तो किसी पॉइंट के दो नेबरहुड होंगे तो उनका इंटरसेक्शन भी नेबरहुड होता है ना, ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ एक्स। और इसको दोबारा लिखो, इस मतलब एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट, ये लाइन बहुत यूजफुल है रहा था मैंने, ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर। तो आपने एक्स कहाँ लिया था देखिए, और कहाँ पर ये, सो ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। दोनों को इक्वेट कर लीजिए। और पांचवी प्रॉपर्टी के लिए फिर एग्जाम्पल वैसे ही यूजफुल, आप बार बार सोच ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट है इंटीरियर का इंटीरियर, कोई सेट ओपन सेट होता है तो उसका इंटीरियर और वो बराबर होते हैं बस, क्योंकि कोई भी सेट का इंटीरियर बेसिकली अपने अंदर के सारे ओपन सेट का यूनियन होता है, और ओपन सेट का आर्बिट्री यूनियन ओपन सेट ही होता है, तो वो खुद ही है तो वो ओपन ही हो गया। क्लियर हो पाया आप सभी बच्चों को, मैं समझा पाया हूँ इंटीरियर और इससे जुड़ी हुई चीजें सारी। बेटा प्योर मैथ्स में आप लोगों ने देखा होगा कि यही एक चैप्टर ऐसा है जो अगर आपको आ जाता है ना तो फिर एनालिसिस में दिक्कत नहीं है कहीं, फिर आपको बाकी चीजें आती होंगी, कुछ नहीं है उसमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंटीरियर समझ में आ गया होगा, आज मैं इतना ही बताऊंगा, आपके क्लोजर और दो चीजें बताई मैंने, क्लोजर और इंटीरियर।